हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज किशोर एंड आर वाचिंग माय चैनल विजन किंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल विजन किंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ एक्वस ह्यूमर के बारे में एंड किस तरीके से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, हम में से बेहतर है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, द इंटरनल सर्फेस ऑफ द आई सराउंडेड बाय द एक्वस ह्यूमर व्हिच इज क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो एक्वस ह्यूमर है ये हमारा आईज का इंटरनल सर्फेस पे प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल सर्फेस मीन्स हमारा एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो पोस्टीरियर चैम्बर से प्रोडक्शन होके जाता है एंटीरियर चैम्बर पे, एंटीरियर चैम्बर पे उसका ड्रेनेज होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एक्वस ह्यूमर है ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड है। क्लियर। अब नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एक्वस ह्यूमर, फर्स्ट क्लियरिंग फंक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एक्वस ह्यूमर है इसका प्रोडक्शन पोस्टीरियर चैम्बर पे होता है एंड देन ये पोस्टीरियर चैम्बर से जाता है एंटीरियर चैम्बर पे एंड वहां पे हमारा उसका ड्रेनेज होता है एक्वस ह्यूमर का। ओके, तो फ्रेंड्स इसीलिए ये जो सर्कुलेशन होता है ना एक्वस ह्यूमर का, इसीलिए इसका क्लियरिंग फंक्शन भी रहता है, ये हमारा इंटरनल सर्फेस को क्लियर करता रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हेल्प्स टू मेंटेन आईओपी इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर। ओके, तो फ्रेंड्स ये एक्वस ह्यूमर के वजह से हमारा जो आईज का इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर है वो मेंटेन होकर रहता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है और उस तरीके से उसका ड्रेनेज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर आईज का इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है या फिर ड्रेनेज बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है आईज का वो बहुत ही लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक्वस ह्यूमर हमारा आईज का इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करके रखता है क्योंकि ये रिलीज होता है एंड उसका प्रोडक्शन भी सही तरीके से होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट नॉरिशमेंट टू दी कॉर्निया एंड दी लेंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो एक्वस ह्यूमर है ये हमारा आईज का कॉर्निया एंड लेंस को फूड प्रोवाइड करता है, उसको नॉरिशमेंट करता है उसका ग्रोथ के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट मेंटेन्स ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। जब भी हमारे आईज में लाइट एंटर करता है तो ये एक्वस ह्यूमर एक ऑप्टिकल बैरियर की तरह हमारे आईज में काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एक्वस ह्यूमर, दैट इज 0.31 ml, 0.25 ml इन एंटीरियर चैम्बर एंड 0.06 इन पोस्टीरियर चैम्बर। ओके, अब नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर, दैट इज 1.336। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर स्लाइटली ग्रेटर देन वाटर। अब नेक्स्ट पीएच वैल्यू कितना होता है एक्वस ह्यूमर का, 7.2 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, दैट इज 2 to 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ठीक है 2 to 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट होता है एंड उसका पीएच वैल्यू कितना है ना 7.2। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन, मींस हमारे एक्वस ह्यूमर में क्या-क्या प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाटर कंटेंट 98.8% एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स 5 to 16 mg/100 ml। अगर हम एक्वस ह्यूमर 100 ml उठाते हैं तो उसमें क्या 5 to 16 mg प्रोटीन्स होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट एमिनो एसिड्स एक्वस पर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 0.08 to 3.14। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, किस तरीके से हमारे आईज में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। सो फ्रेंड्स, सिलियरी प्रोसेसेस आर द साइड ऑफ एक्वस प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स हमारा जो सिलियरी प्रोसेसेस है सिलियरी बॉडी का, वहां से हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो फ्रेंड्स सिलियरी प्रोसेसेस क्या है ना, हमारा सिलियरी एपिथेलियम एंड सिलियरी स्ट्रोमा बोथ कॉम्बाइनली नोन एज सिलियरी प्रोसेसेस। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये है हमारा सिलियरी बॉडी। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है ना प्लेन सरफेस ठीक है सिलियरी बॉडी का, इसको हम कहते हैं पार्स प्लाना एंड ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ठीक है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है रॉ एरिया है, इसको हम कहते हैं यहां से यहां पार्स प्लिकाटा। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना यहां पर हमारा होता है सिलियरी एपिथेलियम। इस तरीके से देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहां पर हमारा होता है सिलियरी बॉडी का सिलियरी एपिथेलियम। क्लियर। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा होता है सिलियरी एपिथेलियम एंड उसका ऊपर यहां पर देखिए यहां पर हमारा होता है सिलियरी स्ट्रोमा। यहां पर क्या होता है हमारा सिलियरी स्ट्रोमा इस तरीके से। ओके, ये हो गया हमारा सिलियरी स्ट्रोमा। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो सिलियरी स्ट्रोमा एंड सिलियरी एपिथेलियम है ये दोनों मिलके हमारा सिलियरी प्रोसेसेस कहलाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखिए
अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन प्ले रोल इन एक्वास प्रोडक्शन. ओके, तो फ्रेंड्स ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन ये दो प्रोसेस होते हैं हमारा एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन में. ओके, अब नेक्स्ट मेजर फैक्टर इन एक्वास प्रोडक्शन इज एक्टिव सिक्रेशन, दैट इज 70%. ओके, तो फ्रेंड्स ज्यादातर जो हमारा एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है वो एक्टिव सिक्रेशन से होता है जो कि 70% कुल होता है. ओके, अब नेक्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन जिससे कि 20% हमारा एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट हमारा ऑस्मोसिस जिससे कि हमारा 10% एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है. ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो एक्टिव सिक्रेशन है जिससे कि हमारा 70% एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है. ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो सिलियरी बॉडी है, ठीक है, यहां पर है हमारा सिलियरी स्ट्रोमा एंड यहां पर है हमारा सिलियरी एपिथेलियम जो ग्रीन कलर में है. तो फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है ना, ये जो सिलियरी एपिथेलियम है यहां से एक्टिवली सिक्रेशन होता है Na+ सोडियम का. ओके, तो फ्रेंड्स यहां से क्या एक्टिवली सिक्रेशन होता है सिलियरी एपिथेलियम से Na+ दैट इज सोडियम. ओके, तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये जैसे कि हमारा सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है ना, नेगेटिव. सो फ्रेंड्स अब क्या होगा ना, ये जो एपिथेलियम है हमारा सिलियरी एपिथेलियम है यहां से पैसिवली रिलीज होता है Cl- एंड HCO3- क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का. ओके, तो फ्रेंड्स देन क्या होगा ना, ये जो सिलियरी एपिथेलियम है यहां से देन पैसिवली सिक्रेशन होगा Cl- एंड HCO3- दैट इज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का. ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए अभी Na+ हो गया, Cl- HCO3 भी हो गया. तो फ्रेंड्स यहां पर अभी क्या होगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, मोर हो जाएगा. तब क्या होगा ना, ये जो हमारा स्ट्रोमा है यहां से धीरे धीरे वाटर का रिलीज होना शुरू हो जाएगा, दैट इज H2O. ओके, यहां से क्या होगा ना, H2O का रिलीज होगा. ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है जिसको कि हम कहते हैं एक्टिव सिक्रेशन, जो कि हमारा सिलियरी बॉडी में 70% का प्रोडक्शन करता है. क्लियर? सो फ्रेंड्स बस इतना ही था हमारा एक्वास ह्यूमर का एनाटॉमी के बारे में एंड किस तरीके से एक्वास ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है मैं यहां पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया. सो फ्रेंड्स अगर आप एक्वास ह्यूमर का फिजियोलॉजी, किस तरीके से एक्वास ह्यूमर का ड्रेनेज होता है एंड एक्वास ह्यूमर के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसका रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्वास ह्यूमर कह के, आपको उसका लिंक आई आइकन पे मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जितना सारा चीज आज मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा एंड आप सेशन को एंजॉय किए होंगे. अगर हां है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए एंड हां अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी आई डीजीएस ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट आई एग्जाम्स के बारे में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें. तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.